नमस्कार दोस्तों, फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। रेसिडेंशियल स्टेटस में लास्ट ईयर में जो चेंज आया है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। हमें पता है कि रेसिडेंशियल स्टेटस में हम इंडिविजुअल को तीन कैटेगरी ऑफ रेसिडेंट में डिवाइड करते हैं। वैसे दो कैटेगरी, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, और रेसिडेंट आइडेंटिफाई हो जाने के बाद फिर दो और कैटेगरी में उसको ब्रेकअप करते हैं, दैट इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नाउ ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कैटेगरी में कुछ और लोगों को फॉल करवाने के लिए लास्ट ईयर में थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। देयर इज वन कॉन्सेप्ट, डीम्ड रेसिडेंट, दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस लास्ट ईयर। ये डीम्ड रेसिडेंट कॉन्सेप्ट क्या है, इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उसी का रेफरेंस लेके हम चल रहे हैं। डीम्ड रेसिडेंट कॉन्सेप्ट, यू कैन सी बेसिकली कुछ लोगों को डीम्ड रेसिडेंट कैटेगरी में ले लिया जाएगा। दैट मींस इवन इफ दे आर नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया, वैसे रेसिडेंट बनने के लिए बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6(1) मस्ट बी कंप्लाइड विद। और बेसिक कंडीशन हमको पता है कि 182 डेज का स्टे होना चाहिए इंडिया के अंदर, या फिर दूसरा कंडीशन है कि भाई 60 डेज का स्टे होना चाहिए प्लस और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज का स्टे होना चाहिए। तो वी नो द बेसिक कंडीशन। नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि कुछ लोगों के लिए इवन इफ दे आर नॉट फुलफिलिंग बेसिक कंडीशन ऑफ नंबर ऑफ स्टे इन इंडिया, दे शैल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये ऐसे लोग हैं जो भारत के नागरिक हैं बट वो भारत में ज्यादा समय नहीं बिताते हैं, और टैक्स बचाने के लिए शायद वो टैक्स हेवन कंट्रीज में जाके बस जाते हैं। है इंडिया के सिटीजन बट राइट नाउ दे आर सेटल्ड इन टैक्स हेवन कंट्रीज, जहां पे उनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो दिस इज एप्लीकेबल। हम थोड़ा उसका जो टेक्स्ट है वो रीड करते हैं। टू इंडिविजुअल बीइंग इंडियन सिटीजन हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, that is income which accrues or arises outside India, except income from business controlled from India, which is not deemed to accrue or arise in India, exceeding 15 lakh. तो ऐसा individual जिसका total income 15 lakh से ज्यादा है वो भारत का citizen है। अब total income गिनने के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ चीजों को exclude किया, that we will discuss later। ठीक है, तो दो कंडीशन अभी हमारे सामने आ रही है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, टोटल इनकम शुड बी एक्सीडिंग 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उनको हम भारत का नागरिक रेसिडेंट मान लेंगे। इफ ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेसिडेंस ऑफ सिमिलर नेचर, तो उसे वहां पे दूसरी किसी भी कंट्री में टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ रही है बिकॉज ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, तो बेसिकली यहां तीन कंडीशन डीम्ड रेसिडेंट अंडर सेक्शन 6(1)(a) के लिए आपके सामने आती है। अगर इस प्रोविजन को हम इलोबरेट करते हैं, फर्स्ट कंडीशन हमारे सामने आ जाती है कि दैट पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके फाइन, टोटल इनकम शुड बी ग्रेटर देन 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड थर्ड, नो लायबिलिटी to pay tax in any other country। तो वो दूसरी टैक्स हेवन कंट्रीज में जहां बसे हुए हैं
वहां रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस उनको कोई भी टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं हो रही है. तो इफ दिस थ्री कंडीशंस आर फुलफिल्ड, पर्सन शैल बी डीम्ड रेसिडेंट. और ये डीम्ड रेसिडेंट को देखो कैटेगरी भी अलॉकेट कर दी गई है. इनको हम मानेंगे क्या, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, थ्री कंडीशंस. सिटीजन होना चाहिए भारत का, टोटल इनकम शुड बी ग्रेटर देन 15 लाख, दूसरी किसी कंट्री में वहां पे रहने की वजह से उसको टैक्स भरना नहीं पड़ रहा है, इनकम टैक्स की लायबिलिटी वहां पे अराइज नहीं हो रही है, देन ही विल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया इवन इफ हिज स्टे इज नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन अंडर सेक्शन 6(1). नाउ बात इसी की आ जाती है कि ये टोटल इनकम ग्रेटर देन 15 लाख का मतलब क्या, टोटल इनकम में किसको हम इंक्लूड करेंगे. इन्होंने बोला है कि फॉरेन सोर्सेस को एक्सक्लूड करना है. फॉरेन सोर्सेस का मतलब है कि इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया. बट इसमें एक को इन्होंने बोला है कि एक्सक्लूड नहीं करना है, दैट इज बिजनेस इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया. तो इसपे से हम कंक्लूजन ऐसा निकाल सकते हैं कि टोटल इनकम में हमको तीन चीजें इंक्लूड करनी है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया. ठीक है, ये इंक्लूड हो जाएगा टोटल इनकम के अंदर, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रूड और डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, एंड थर्ड बिजनेस इनकम accrued and received outside India. But controlled from India. Control India से हो रहा है, भले accrue और receive business का income outside India हो रहा है, देन उसे हमें टोटल इनकम में इंक्लूड कर लेना है. और ये तीनों इनकम का टोटल अगर 15 लाख से ज्यादा होता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, देन दैट पर्सन विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और डीम्ड रेसिडेंट में भी उसकी कैटेगरी डिफाइंड है, दैट इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. तो ये एक कॉन्सेप्ट एड हुआ है. दूसरा एक कॉन्सेप्ट, आपको पता है कि जब हम बेसिक कंडीशन, अच्छा एक बात ध्यान रखें कि ये डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई करना है व्हेन कंडीशन अंडर सेक्शन 6(1) इज नॉट फुलफिल्ड. ठीक है ना, 6(1) की कंडीशन फुलफिल्ड नहीं हो रही है, 182 डेज नहीं हो रहा है, तो ही हमको ये वाला जो है वो अप्लाई करना है, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं करना है. अगर स्टे वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम जो नॉर्मल मैनर में कैलकुलेशन करते थे वही हमको करना है. ठीक है, दूसरा आपको पता है कि बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6(1) जो है, जो रेसिडेंट बनाने के लिए है, ये बेसिक कंडीशन में वैसे 182 डेज का स्टे है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और अगर वो नहीं होता है तो 60 डेज प्लस 60 डेज प्रीवियस ईयर के और 365 डेज जो है वो 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के. ये हो जाए तो बेसिक कंडीशन इज फुलफिल्ड. बट हमें पता है कि ये वाला जो है सेकंड अल्टरनेटिव वाज नॉट एप्लीकेबल इन 4 सिचुएशन. देयर वर 4 एक्सेप्शन वेयर इन दिस वाज नॉट एप्लीकेबल. 1, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड, भारत को छोड़ के जा रहा है
बाहर जॉब या बिजनेस के लिए परमानेंट सेटलमेंट के लिए वो जा रहा है। सेकंड, इंडियन सिटीजन विजिट्स इंडिया, बाहर जो बस चुका है नागरिक हमारा, सेटल हो चुका है, वो भारत घूमने के लिए आ रहा है। थर्ड, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट्स इंडिया। एंड फोर्थ, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ शिप। ये चार सिचुएशन में हमें पता है कि वी आर नॉट टू अप्लाई दिस अल्टरनेट कंडीशन, ठीक है। बट अब ये दो लोगों के लिए एक अल्टरनेट आ चुका है कि भाई 60, दैट इज इंडियन सिटीजन विजिटिंग इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट इंडिया। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसे कहते हैं, हमको पता है, अ पर्सन हिमसेल्फ और हिज पेरेंट और हिज ग्रैंड पेरेंट मस्ट बी बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अगर अनडिवाइडेड इंडिया में व्यक्ति का खुद का या उसके पेरेंट का या उसके ग्रैंड पेरेंट का बर्थ हुआ है तो उसको हम कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर भारत में विजिट करने के लिए आते हैं तो वैसे 60 डेज अप्लाई नहीं करना था, बट अब उसकी जगह 120 डेज अप्लाई करने हैं प्लस 365 डेज, ठीक है, फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ये एक आप अप्लाई कर सकते हैं अल्टरनेटिवली अगेंस्ट दिस। इसके साथ एक और कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि उसकी टोटल इनकम इज ग्रेटर देन 15 लाख, जो हमने डीम्ड रेसिडेंट में देखा। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय टोटल इनकम, जो हमने आगे देखा था, इनकम एक्रूड इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, बिजनेस इनकम कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया इवन इफ इट इज एक्रूड और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। तो टोटल इनकम में वही लेंगे जो डीम्ड रेसिडेंट में हमने लिया हुआ है, तो ये होना चाहिए प्लस 120 डेज, 365 डेज का क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। ये हो जाने के बाद वो रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फुलफिल करके उसको हम रेसिडेंट डिक्लेयर कर रहे हैं तो फिर फर्दर उसको ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी का हमें वेरीफाई नहीं करना है, डायरेक्टली उसको रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाली कैटेगरी में ले लेना है। नॉर्मली क्या होता है कि रेसिडेंट बनने के बाद हम फर्दर चेक करते हैं कि वो ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है, बट ये कंडीशन फुलफिल होने की वजह से जो रेसिडेंट बन रहे हैं उनको हमें डायरेक्टली रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में ले लेना है, ठीक है ना। तो देखो ये दो बहुत ही महत्व के चेंजेस आए हुए हैं और ये दोनों ही जो है वो ऐड हो रहे हैं रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाली कैटेगरी में। आप देखेंगे यहाँ पे कवर किया गया है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में, ये दोनों कवर हो रहे हैं, डीम्ड रेसिडेंट एज वेल एज जो इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो विजिट कर रहे हैं वो भी इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है ना।